Realme 10 Pro 5G versus Infinix Zero 20 Apex Legend बैटरी ब्रेन टेस्ट 100 to 0%। तो गाइस मेरे हाथ में है ये Realme की तरफ से रिसेंट लॉन्च हुआ Realme 10 Pro 5G और Infinix की तरफ से रिसेंट लॉन्च हुआ Infinix Zero 20। आज मैं दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके एक Apex Legend का बैटरी ब्रेन टेस्ट करने वाला हूं। और यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर आप इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में Apex Legend गेम को अगर आप प्ले करते हैं तो दोनों स्मार्टफोन्स गाइस 100 to 0% बैटरी को ड्रेन करने के लिए कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर गाइस ये जो दोनों स्मार्टफोन्स हैं Infinix Zero 20 और Realme 10 Pro 5G, ये दोनों स्मार्टफोन्स के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए, जिसे आप वीडियो लिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और खास ही खास मैंने इन दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर फ्री फायर का, BGMI का, पबजी न्यू स्टेट का और यूट्यूब के 4K वीडियो का, इन चारों टॉपिक को लेकर मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट का टॉपिक ऑलरेडी कवर किया है, जिसे आप टॉपिक लिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज बारी है इस दोनों स्मार्टफोन को लेकर Apex Legend गेम का बैटरी ड्रेन टेस्ट करने की और देखते हैं एग्जैक्टली Apex Legend गेम में दोनों स्मार्टफोन आपको कितने घंटे का बैटरी बैकअप यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया, जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट और वीडियोस वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल है मेरा गाइस, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी गाइस मैंने इन दोनों ही स्मार्टफोन में जो Apex Legend का जो गेम है उसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे ये रहा Realme 10 Pro 5G में Apex Legend और इसके बाद ये Infinix Zero 20 में ये रहा Apex Legend। तो दोनों स्मार्टफोन में एक साथ मैं Apex Legend गेम को प्ले करने वाला, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं दोनों स्मार्टफोन में एक साथ Apex Legend गेम को प्ले कर रहा हूँ, तो ये भी जाने की काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो एक्जैक्टली बेसिस पे जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिजल्ट मिलता है दोनों स्मार्टफोन से। तो अभी गाइस अगर आप दोनों स्मार्टफोन में जब गेम को अगर आप प्ले करते हैं तो जो बैटरी होता है, बैटरी का ड्रेन होना डिपेंड करता है कि एक्जैक्टली आप गेम को कौन से ग्राफिक सेटिंग्स पर आप गेम को प्ले करते हैं। तो यहाँ पर गाइस जो ग्राफिक रखने वालों में, वैसे यहाँ पर जो गेम होता है, गेम में आपको ग्राफिक सेटिंग्स यहाँ पर ऑलरेडी बताया जाता है कि यहाँ पे जो रिकमेंडेड ग्राफिक यहाँ पे शो कर रहा है नॉर्मल और जो फ्रेम रेट यहाँ पे शो कर रहा है नॉर्मल है, रिकमेंडेड है, लेकिन आप चाहे तो ग्राफिक को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैं ग्राफिक रखने वाला हूँ अल्ट्रा HD ग्राफिक और उसके बाद जो फ्रेम रेट है वो यहाँ पर हाई रखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर ग्राफिक होगा अल्ट्रा HD और जो फ्रेम रेट होगा हाई, तो इसी ग्राफिक सेटिंग्स पर मैं गेम को प्ले करने वाला हूँ इस Infinix Zero 20 में। देन उसके बाद है ये Realme का 10 Pro 5G और इसमें भी जो ग्राफिक सेटिंग्स है गाइस वो भी इसमें Realme 10 Pro में भी ग्राफिक सेटिंग सेम रखने वाला हूँ। तो ग्राफिक होगा यहाँ पे अल्ट्रा HD रखने वाला हूँ, देन उसके बाद फ्रेम रेट होगा हाई, तो इसे सेटिंग्स पर मैं गेम को प्ले करने वाला हूँ। तो ग्राफिक होगा अल्ट्रा HD एंड फ्रेम रेट होगा हाई। तो दोनों स्मार्टफोन्स में मैंने सेम टू सेम रखा है ग्राफिक अल्ट्रा HD यहाँ पर एंड देन फ्रेम रेट हाई, तो इसी ग्राफिक सेटिंग्स में मैं दोनों स्मार्टफोन में गेम को प्ले करने वाला हूँ। तो नाउ अब डायरेक्टली गेम को प्ले करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं दोनों स्मार्टफोन में एक साथ कंपेयर करके गेम को प्ले करूँ और फर्स्ट टाइम मैं Apex Legend का बैटरी ड्रेन टेस्ट करूँ दोनों स्मार्टफोन में। तो जो एक्टिविटी का एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ में मैंने यहाँ पे टाइमर भी सेट किया, जिससे कि आप एक्टिविटी को ईजिली तरीके से ट्रैक कर पाओ। तो अभी कैसे जो दोनों ही स्मार्टफोन्स हैं हमारे Infinix Zero 20 और Realme 10 Pro 5G, अभी दोनों स्मार्टफोन्स की बैटरी पूरी की पूरी 100% यहाँ पे चार्ज है, यानी कि जो Infinix Zero 20 है ये भी पूरा 100% चार्ज है और Realme 10 Pro 5G भी पूरा 100% यहाँ पे चार्ज है। तो अभी मैं प्योरली 100 to 0% का बैटरी टेस्ट करने वाला हूँ दोनों स्मार्टफोन्स में। अब डायरेक्टली यहाँ पे गेम को प्ले करना स्टार्ट करते हैं।
सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली 4 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हो। पिछले लास्ट 4 आवर से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस इन्फिनिक्स के 020 और इस रियलमी के 10 Pro 5G दोनों स्मार्टफोन में जो गेम प्ले है एपेक्स लेजेंड का वो चालू है। तो अभी आप चेक करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन का करंट बैटरी स्टेटस। सो नाउ यहाँ पे जो टाइमर उसे स्टॉप कर लेते हैं आप एंड नाउ यहाँ पे चेकआउट करते हैं। तो ये है लेफ्ट साइड में इन्फिनिक्स का 020 और ये है रियलमी का 10 Pro 5G। दोनों स्मार्टफोन का जो करंट बैटरी स्टेटस है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 घंटे का। तो 4 घंटे में दोनों स्मार्टफोन का करंट बैटरी स्टेटस है यानी कि जो इन्फिनिक्स 020 है इसका 45% है और जो रियलमी का 10 Pro 5G है इसका 40% है करंट बैटरी स्टेटस एपिक्स लेजेंड के बैटरी ड्रेन टेस्ट का। अब यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। जो ग्राफिक में दोनों स्मार्टफोन में प्ले करोगे वो एक अल्ट्रा HD ग्राफिक है। दोनों स्मार्टफोन में अल्ट्रा HD ग्राफिक है और फ्रेम रेट मैंने हाई रखा है, ओनली वेरी हाई नहीं, वैसे वेरी हाई का ऑप्शन दिया है लेकिन सिर्फ अल्ट्रा HD ग्राफिक है और हाई फ्रेम रेट है। उस मॉडिफिकेशन के हिसाब से गाइस अभी दोनों जो स्मार्टफोन है ये ऑलमोस्ट हिट भी हो चुके हैं, लेकिन यहां पर जो Realme का स्मार्टफोन है ये ज्यादा हिट हुआ है एज कंपेयर टू दिस इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में। ये सिर्फ 20% हिट हुआ है लेकिन ये जो स्मार्टफोन है ये 30% के आसपास हिट हुआ है Realme का। लेकिन दोनों स्मार्टफोन जिस ग्राफिक में मैं गेम को प्ले कर रहा हूं उस मॉडिफिकेशन के हिसाब से दोनों ग्राफिक पे गेम है दोनों हिट हो रहा है, लेकिन लैग का इशू मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। बट फिर भी अभी तक एंड नहीं है, अभी दोनों स्मार्टफोन में गेम प्ले को कंटिन्यू करता हूं। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली 6 आवर्स 30 मिनट्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर लास्ट 6 आवर्स 30 मिनट्स से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस इन्फिनिक्स के 020 और इस रियलमी के 10 Pro 5G दोनों स्मार्टफोन में कंटिन्यूस बेसिस पे एपेक्स लेजेंड का जो गेम है वो नॉन स्टॉप बेसिस पे प्ले है। तो जो मैंने स्टार्टिंग किया था पूरा का पूरा मैंने 100% से इन दोनों स्मार्टफोन में स्टार्ट किया था और अभी यहाँ पर टोटली 6.5 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और मॉर्निंग में मैंने स्टार्ट किया था और अभी अराउंड 6:30 कंप्लीट होने आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे जो दोनों स्मार्टफोन्स हैं इसके बैटरीज भी यहाँ पर ऑलमोस्ट ड्रेन होने आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं टाइमर को स्टॉप कर लेता हूँ। तो गाइस ये है इन दोनों स्मार्टफोन्स की करंट बैटरी स्टेटस। तो यहाँ पे जो इन्फिनिक्स का 020 है इसका करंट बैटरी स्टेटस है 12% और जो रियलमी का 10 Pro 5G गाइस इसके बैटरी तो अभी ऑलमोस्ट ड्रेन होने आ चुकी है, ओनली लास्ट का 2% यहाँ पे बाकी है जो कि बहुत ही कम यहाँ पे बैटरी बाकी है। तो ओवरऑल इस इन्फिनिक्स 020 ने टोटल यहाँ पे जो 12% इसका करंट बैटरी स्टेटस है और रियलमी 10 Pro 5G का 2% है। तो रियलमी 10 Pro 5G ने टोटल 6 आवर्स 30 मिनट्स का बैटरी बैकअप दिया है एपेक्स लेजेंड के बैटरी ड्रेन टेस्ट में 100-0% बैटरी को ड्रेन होने के लिए। और ये जो इन्फिनिक्स का 020 है गाइस इसका इसने इसको अभी भी 12% पे बाकी है। तो ये आपको और एडिशनली 30 मिनट्स का बैटरी बैकअप दे सकता है, 30 मिनट से ज़्यादा बैटरी बैकअप देने वाला नहीं है। तो नियरली ये आपको 7 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकता है एपेक्स लेजेंड के बैटरी डेंटेस्ट में यानी कि 100-0% बैटरी को ड्रेन होने के लिए। तो ओवरऑल गाइस अब इसके बाद बात करूँ हीटिंग की, तो यहाँ पर जो हीटिंग का इशू हो रहा है वो रियलमी में हो रहा है। रियलमी में ज़्यादा हीटिंग नहीं हो रहा है, ओनली 20% का हीटिंग अभी फील हो रहा है बिकॉज अभी टेम्परेचर यहाँ पे कूल है। तो ओवरऑल इसमें 20% का हीटिंग है और इसमें अभी फिलहाल नॉर्मली 5% का हीटिंग यहाँ पे फील हो रहा है। अब बात करूँ दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है गेमिंग परफॉर्मेंस में, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो बेसिकली इन्फिनिक्स होगा। इन्फिनिक्स 020 में गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर मिला है इस बार इस रियलमी के कंपेयर में, तो इन्फिनिक्स 020 ज़्यादा बेटर होगा गेमिंग के मामले में। बट ओवरऑल जो मेरा परमानेंटली पिक होगा वो इन्फिनिक्स 020 को ही मैं पिक करूँगा बिकॉज ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा वेल बेटर ऑप्टिमाइज्ड है रियलमी के कंपेयर में। तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट, तो ये था इन्फिनिक्स 020 और रियलमी 10 Pro 5G का एक एपेक्स लेजेंड का बैटरी डेंटस 100-0% जिसमें इन्फिनिक्स 020 ने 7 आवर्स का बैटरी बैकअप दिया है और रियलमी 10 Pro 5G ने 6 आवर्स 30 मिनट्स का। तो मैंने कहा इस दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर और भी बैटरी डेंटस के टॉपिक मैंने कवर किए, फ्री फायर का, BGMI का, यूट्यूब 4 की वीडियो का, पबजी न्यू स्टेट का, सारे टॉपिक्स आप वीडियो